POSP Android Pi Room for Redmi Note 5 Pro। हाय फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक Android Pi का नया रोम लेके आया हूँ जिसका रिव्यू हमने आज तक कभी भी अपने वीडियो चैनल पे नहीं किया है, जिसका नाम है POSP, जो कि लेटेस्ट Android Pi के ऊपर बेस्ड है और आप इसको Redmi Note 5 Pro में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने Redmi Note 5 Pro में इसको इंस्टॉल करके, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये Redmi Note 5 Pro है। इसके अंदर हमने आज जो नया रोम हमने आपको बताया POSP Android Pi के ऊपर जो करंट कर रहा है वो इंस्टॉल करके है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाकर इसके जो अबाउट फोन का जो पेज होता है उस पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलता है। देखिए, एंड्रॉयड वर्जन 9 के ऊपर ये बेस्ड है। सिक्योरिटी पैच लेवल इसके अंदर आपको 5th of September 2018 का देखने को मिलता है, जो कि गूगल की तरफ से लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। साथ ही साथ जो कर्नल वर्जन है वो आपको डब कम मिलता है, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर कर्नल है बैटरी बैकअप और बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। दैट मीन्स कि इसको फ्लैश करने के बाद आपको जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर कर्नल है जो कि इसके लिए इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि एंड्रॉयड पाई यानी 9 के ऊपर बेस्ड है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है और एडवांस ऑप्शन में आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे सिस्टम अपडेट एंड एडवांस एक्स्ट्रा सेटिंग्स। जैसे आप एडवांस एक्स्ट्रा सेटिंग्स पर टैप करते हैं, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है इनेबल कैमरा टू API। जैसे आप इसको इनेबल कर लेंगे, उसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर गूगल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप गूगल कैमरे को यूज़ करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो काम नहीं करेगा। तो एक टाइम पे एक ही कैमरा काम करेगा, तो आपको इसको डिसेबल करना पड़ा करेगा दूसरे कैमरे को यूज़ करने को। तो अब बात करते हैं इसके अंदर कैमरा कौन सा है, कैमरे की बात अभी छेड़ी है हमने। तो कैमरा इसके अंदर आपको MIE का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर है MIE कम्युनिटी के अंदर। आपको इसके अंदर सारे मोड मिल जाते हैं, शॉर्ट वीडियो, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, पैनोरामा एंड मैनुअल टू। तो अब बात करते हैं फोटोज़ में। फोटोज़ में आपको AI का मोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट फीचर है MIUI फोन्स के अंदर और काफ़ी सारे फोन्स के अंदर ये आ रहा है, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। अब वीडियो में आपको क्या है, सेटिंग्स में दिखा देता हूँ कौन से आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, कितने HP की। ये देखिए, वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है UHD 4K, साथ ही साथ 1080p और 720p और 480p भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। दैट मीन्स कि आप इसके अंदर काफ़ी अच्छे वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अल्ट्रा रिकॉर्डिंग जिसे बोलते हैं, जैसे 4K रिकॉर्डिंग भी आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिम्स काम कर रहे हैं जियो के कि नहीं काम कर रहे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा वाईफाई भी काम कर रहा है, ऊपर दो नेटवर्क देख पा रहे हैं, एक एयरटेल का सिम है और एक जियो का सिम हम यूज़ कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो मैं आपको जियो पे एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ 198 पे। ये देखिए, हम कॉल करते हैं, हमने कॉल लगा दी है। देखिए, कॉलिंग जियो 198, मैं स्पीकर पर डाल देता हूँ। वेलकम टू जियो हिंदी के लिए। तो कॉल कनेक्ट हो रही है और आपको टाइमर भी देखने को मिला है कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये आपने फ़ोन देख लिया है, कैमरा देख लिया है, अब उसकी बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर क्या मिलता है। देखिए, बेंचमार्क स्कोर जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता, फिर भी काफ़ी लोग बोलते हैं दिखा दीजिएगी। देखिए, बेंचमार्क स्कोर मिलता है इसको 111960, जो कि अराउंड इतना ही मिलता है मोस्टली कस्टम रूम्स के ऊपर। किसी किसी के ऊपर 13 भी चला जाता है, बट 11 के आसपास ही मिलता है नोट 5 प्रो को। तो ये तो हो गया बेंचमार्क स्कोर। अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ सेटिंग्स के अंदर में। आप देख पा रहे होंगे नीचे हमको एंड्रॉइड पाई के नेविगेशन मिलते हैं, जिसको आप टैप करने के कुछ इसे रीसेंट पार्ट्स को आप इस तरीके से ओपन या इनको स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं चाहिए, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है, जेस्चर्स में जाना है। जेस्चर्स में जाके स्वाइप अप ऑन होम बटन जो है इस पर आप टैप करेंगे, इसको डिसेबल कर देंगे, तो आपको रेडमी नोट 5 प्रो के डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार होता है वो देखने को मिल जाएगा। बट मैं अभी इसको एंड्रॉयड पाई पे रखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना पूरा एंड्रॉयड पाई का लुक अपने फ़ोन के अंदर देख सकूं। क्विक टॉगल्स जो है आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे। आप डार्क ब्राउन बैकग्राउंड भी कर सकते हैं इसका और इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमने सारी सेटिंग्स जो है अपनी डार्क कर रखी है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, अब वो भी हम चल के देख लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हम सेटिंग्स पैनल में जाते हैं। सेटिंग्स पैनल में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आप जाएंगे, डिस्प्ले में जाके एडवांस पे टैप करेंगे। एडवांस पे टैप करते ही आपको नीचे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कलर थीम एंड डिवाइस थीम। जैसे डिवाइस थीम अभी हमने डार्क कर रखी थी, इसको अगर मैं लाइट कर देता हूँ तो अब जो हमारी थीम जो है लाइट हो जाएगी। ये देखिए, बैकग्राउंड हमारा वाइट हो गया है, डार्क से लाइट हो गया है। और जो क्विक टॉगल्स थे उनका बैकग्राउंड भी अब
लाइट हो गया। इसी तरीके से आपके ऑक्टोकल्स जो कलर्स हैं, जो एसेंट कलर्स बोलते हैं, इनको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर थीम पे आप जाएंगे, आप काफ़ी सारी थीम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए डीप ऑरेंज, डीप पर्पल, एम्बर ग्रीन, पिक्सल शॉक, लाइट ग्रीन, ब्लू, क्या लाइम पिंक, इंडिको, ऑरेंज, पर्पल, लाइट ब्लू, काफ़ी सारी। आप किसी को भी सिलेक्ट कीजिए। सपोज कीजिए कि आपको चाहिए ऑरेंज कलर, आपने ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद थोड़ी देर में जो आपके जो एसेंट कलर थे वो चेंज हो जाएंगे कुछ ऑरेंज कलर के साथ साथ, क्योंकि टॉगल्स में भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इन सब तरीके से आप इन सब चीज़ों को यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो डिस्प्ले में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सारे के सारे फीचर्स जो आपको एंड्रॉयड पाई के इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। स्टोरेज, सिक्योरिटी, लोकेशन, आपको फिंगरप्रिंट इसमें अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं ऑलरेडी इसके अंदर फिंगरप्रिंट ही यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ एक बार स्क्रीन को। ये देखिए स्क्रीन अभी हमने ब्लॉक कर दी है, तो अब मैं इसको लॉक करके अनलॉक करके दिखाता हूँ। नीचे आप फिंगरप्रिंट का साइन देख पा रहे होंगे। ये देखिए अब जो हमारा जो हमें फ़ोन हमने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर लिया है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस पर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको जो एंड्रॉयड पाई के अंदर जो एक नया फीचर आया है डिजिटल वेलबिंग, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो पूरी आपकी एक्टिविटीज़ बताएगा कि आपने पूरा दिन फ़ोन के ऊपर क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया, कितने आपको नोटिफिकेशन आए और कितनी बार आपने फ़ोन को लॉक इन अनलॉक किया। आप सिर्फ इस पर टैप करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन ऑन टाइम आप कितनी बार कौन सी एप्लीकेशन के ऊपर अपने टाइम यूज़ किया है, नोटिफिकेशन आपको कितने आ चुके हैं, साथ ही साथ आप कितनी बार अपने फ़ोन को लॉक एंड अनलॉक किया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर जो आपको रीसेंट टैब्स मिलते हैं उसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का मोड मिलता है। रीसेंट टैब्स आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलेंगे। आप इनकी इन्फो के ऊपर टैप करेंगे जाके, फिर आप जो स्प्लिट स्क्रीन मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये मैं इस पर टैप करता हूँ, अब कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऐप इन्फो एंड स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन पर टैप करेंगे आप उसको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर जो है देखिए आपको देखने को मिल जाता है। इसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट स्क्रीन भी इसके अंदर ठीक तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि गूगल प्ले पे की सर्विसेज जो है इसमें काम कर रही हैं, कहीं इसमें एरर तो नहीं आ रहा है। तो मैं गूगल पे को भी लॉन्च करके दिखाता हूँ आपको, जो कि ठीक तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं आया है उसके अंदर। तो ये देखिए, तो ये देखिए गूगल पे में लॉन्च कर चुका हूँ जो ठीक तरीके से ओपन हुआ है, यानी इसमें कोई इशू नहीं मिला है आपको। अब बात करते हैं सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लोग पूछते हैं, क्योंकि सब होना चाहते हैं कि पबजी इसमें कौन से मोड पे चलता है। तो पबजी इसमें आप एचडी मोड पे खेल सकते हैं। मैं लॉन्च करके दिखा देता हूं आपको एक बार, पबजी गेम हमने लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ग्राफिक जो है कौन से पे आप खेल पाते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये देखिए अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पबजी का ग्राफिक पेज है। आप एचडी मोड पे इसको खेल सकते हैं और फ्रेम रेट को हाई पे रख के भी इसमें अंदर गेम को खेल सकते हैं। एचडी से आप एचडीआर पे नहीं जा सकते हैं, उस पे एरर आ जाता है। तो आप इसके अंदर पबजी गेम को एचडी मोड पे ठीक तरीके से खेल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि इंस्टॉल कैसे करना है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन के अंदर TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और आपको दो फाइलें चाहिए। वो दो फाइलें कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जस्ट अ मोमेंट। हम फाइल मैनेजर पर जाते हैं और फाइल मैनेजर में आपको दोनों फाइलें दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फाइलें आपको चाहिए। फाइल मैनेजर, ये वो दो फाइलें चाहिए जिसका नाम है पोटेटो वाइट यानी POSP रोम और साथ ही ओपन जी एप्स जो गूगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। ये दोनों फाइलों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ से आपने इनको डाउनलोड करके सेव कर लेना है। अब आपको क्या करना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। पावर के बटन को प्रेस करेंगे, पावर ऑफ पे टैप करेंगे और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही फ़ोन शट डाउन होता है उसके बाद आप TWRP मोड पाएंगे। उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर के बटन को प्रेस करना पड़ता है। हम दोनों थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। जैसे ही फ़ोन के अंदर आपको वाइब्रेशन की फीलिंग आती है फ़ोन को आपने छोड़ देना है और आपका फ़ोन कुछ ही सेकेंड बाद TWRP कस्टम रिकवरी मोड पर आ जाएगा। TWRP कस्टम रिकवरी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कस्टम रोम को फ्लैश करने के लिए। आपकी जो स्टॉक रिकवरी होती है उससे आप फ्लैश नहीं कर सकते। तो अब देखिए TWRP के होम पेज पर हम आ गए हैं। वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे, डाल्वी कैश, कैश डाटा और सिस्टम को वाइप करेंगे। इंटरनल स्टोरेज को हम वाइप नहीं करेंगे, नहीं तो हमने जो फाइल सेव की थी वो भी डिलीट हो जाएंगी। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, अपने फ़ोन का बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा अगर आप MIUI 9 या MIUI 10 से आ रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मेट डाटा करना पड़ेगा तभी ये फोन रोम बूट कर पाएगा। तो सारा का सारा डाटा आपका, सारी की सारी फाइलें डिलीट होने वाली हैं। तो अब आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे जाना है और जो रोम की फाइल थी पोटेटो वाइट उसको सेलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। ये नहीं तो अबाउट 1 to 2 मिनट्स लेगा हर सिस्टम फाइल्स को और आपके वेंडर इमेजेस को पैच करने में और फर्मवेयर को पैच करने में। उसके बाद आपको सिर्फ गूगल ऐप्स की एक सिप फाइल है उसको आप फ्लैश करेंगे और फॉर्मेट डाटा करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद आप इस रोम को सक्सेसफुली अपने फ़ोन में बूट कर सकते हैं और सारे के सारे फीचर जो है एंड्रॉयड पाई के इस फ़ोन सॉरी रोम के अंदर और अपने फ़ोन के अंदर इंजॉय कर सकते हैं।
तो ये देख ली मोस्टली जो है फाइल कंप्लीट हो गई है, 100% होने वाली है। जैसे ही कंप्लीट होगी हम वापस आएंगे इंस्टॉल के ऑप्शन पे और जी एप्स की फाइल को फ्लैश कर देंगे। तो ये देखिए फाइल फ्लैश हो गई, होम पे टैप करेंगे, इंस्टॉल, ओपन जी एप्स, स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश। अब ये सारे के सारे जो गूगल एप्लीकेशंस जिनकी ज़रूरत होती है किसी कस्टम रूम को, वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल करेगा और उसके बाद आप गूगल प्ले सर्विसेज और जी मेल वगैरह अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, नियर अबाउट 2 to 3 मिनट्स के आसपास इसमें टाइम लग जाता है। तो ये देखिए जी एप्स भी फ्लैश हो गई है। अब वाइप कैश डाल भी करेंगे एक बार, स्वाइप टू वाइप। रीबूट सिस्टम नहीं करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मेट डाटा करना है। अगर आप MIUI 9 या MIUI 10 से आ रहे हैं तो हम वाइप पर जाएंगे, फॉर्मेट डाटा, यहाँ लिखेंगे YES और ओके कर देंगे। जैसे ही फॉर्मेटिंग डाटा हो जाता है उसके बाद रीबूट सिस्टम एंड डू नॉट इंस्टॉल। अब क्या है, आपका फ़ोन जो है POSP रूम पे बूट करेगा और आप कुछ सारी चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा, अपने सिम्स, अपने मोबाइल फ़ोन नंबर्स, अपने ईमेल आईडीज, अपना वाईफाई कनेक्शन, और आप इसके बाद एंड्रॉयड पाई को यूज़ कर पाएँ। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आपके सामने आ गई है, यानी रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो गया है। तो एक और वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है, तो जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।